हुमायूं रहीम। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हज़रत अल्लामा इक़बाल का शेर मेरा आज का मौज़ू है। ये शेर पढ़ने के बाद कुछ सवालात हमेशा भी जहन में मचलते हैं कि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, इसका मतलब क्या है? क्या हम इस सवाल को बहैसियत कौम समझते हैं? अफराद किसे कहते हैं? अफराद की तारीफ क्या है? कौम की तारीफ क्या है? कौम किसे कहते हैं? और कितने अफराद के हाथों में कौमों की तकदीर होती है? आइए इन सब सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वाकई अफराद के हाथों में कौमों की तकदीर होती है। सबसे पहले तकदीर क्या है? तकदीर नताइज का नाम है जो अफराद के अमाल के नतीजे में जाहिर होती है। अच्छाई बुराई, नफा नुकसान, खुशहाली बदहाली, तरक्की और नाकामी, न जाने कितने नताइज हैं जो अफराद के अमाल के नतीजे में जाहिर होते हैं। ये अफराद ही हैं जिनको पैदा करने का बाइस बनते हैं, और जब इसके मुकाबले का वक्त आता है तो कहते हैं, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। हमने रोता है सहराओं को बयाबानों को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हमसे वाकिफ है ये समंदर ये जहाँ, हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं, हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। जनाबे आला, चलिए जरा 1947 में पूंजा जिन्ना के बेटे मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं। ये कोई शख्स है जो हिम्मत करता है और अफराद की शक्ल इख्तियार करता है। ये अफराद एक कौम बनती है और इसी कौम में कोई इकरारुल हसन तो कोई अली मुईन नवाज़, कोई राजा अली भट्टी तो कोई राशिद मिन्हाज बन जाते हैं। और ये जब ऐलान करते हैं कि तेरे गुनाहों के बागों को सारे बाजार छोड़ जाऊंगा, मिसले इब्राहिम गुनमत के बुतों को तोड़ जाऊंगा, लश्कर करेंगे मेरी जलेबी पे तब से मर के भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा। ये है अफराद के हाथों में अकवाम की तकदीर। और जिन अफराद के हाथों में अकवाम की तकदीर होती है वो अब्दुल सत्तार इब्ने सालिम के अलमगर्दार बन जाते हैं। इन्हीं अफराद के हाथों में कौमों की इज्जत और तकदीर होती है। जनाबे आला, आज के दिन की बात पर तवज्जो देते हैं कि कचरे को बोहा बनने के लिए किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है। इसी तरह मोहम्मद बिन कासिम से लेकर दास्तान अदादे कायद आजम तक न जाने कितने अश्रु जो बहे हैं और आज भी बह रहे हैं, लेकिन ये अफराद अपने हाथ रोके हुए हैं। जिंदगी में वो लम्हा कीमती होता है जब हम दूसरों की गलतियों को देखने के बजाय अपनी गलतियों को अपने गिरेबान में छान कर अपनी इस्लाह करते हैं। हमारे दिल अंधे हो चुके हैं। कायद के फरमान इत्तेहाद ईमान तंजीम का ना सिर्फ मजाक बनाया जा रहा है बल्कि हमारे बुजुर्गों की दी गई पाकिस्तान बतौर अमानत में भी तैयार की गई और आज भी कर रहे हैं। हम लोग ना कौमी है ना अवामी है, बस अंग्रेजों और यहूदियों के हामी हैं। इतने बार बीत चुके हैं लेकिन इस कौम में असारे गुलामी अपनी बात है। गुलामी में काम आती है न शमशीरें न तस्वीरें। गुलामी में काम आती है न शमशीरें न तस्वीरें, जो हो गई जटी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। कोई अंदाजा